हेलो, तो आज मैं बात करने वाला हूँ RDR2 के बारे में, RDR2 के कंप्रेस वर्जन के बारे में। क्या है कंप्रेस वर्जन, कैसे आप ले सकते हैं, सारी बात बताऊंगा। वीडियो को देखिएगा एंड तक, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अब बात करें RDR2 के कंप्रेस वर्जन के बारे में, तो RDR2 भी एक रॉकस्टार की ही सीरीज का एक गेम है। जैसे GTA 5 एक गेम है, वैसे यही ये भी एक गेम है। ग्राफिक्स की अगर मैं इसकी बात करूं, तो GTA 5 से ग्राफिक्स में पूरी तरीके से टॉप नॉच है, यानी GTA 5 को पीछे छोड़ देता है ग्राफिक्स के मामले में। बट स्टोरी लाइन इसकी थोड़ी सी वीक है, जिस वजह से ये गेम ज़्यादा चल नहीं पाया और रॉकस्टार इससे ज़्यादा चला नहीं पाया। अब बात करें कि आप इसे कैसे खरीद सकते हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसे रॉकस्टार लॉन्चर पे जाके या स्टीम पे जाके खरीद सकते हैं, उसी तरह जिस तरह से आप GTA 5 को खरीदते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। और ये आपकी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा, आप ओन्ड लाइब्रेरी में, ओन्ड गेम्स में ऐड हो जाएगा और आप इसका मज़ा ले सकते हैं। क्या क्या वर्जन आते हैं, ऑनलाइन वर्जन है और स्टोरी मोड है। मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा कि क्या स्टोरी है क्या नहीं है, क्योंकि एक तो मैंने ये गेम खेला नहीं है, दूसरा मैंने इस गेम को ख़रीद नहीं रखा, यानी मैं इस गेम का ओनर नहीं हूँ, क्योंकि ये गेम GTA 5 से बहुत ज़्यादा महंगा है, इसलिए भी इसे मैंने नहीं ख़रीदा और ये डाउनलोड नहीं किया जा सकता, इसलिए भी मैं इसे अभी तक खेल नहीं पाया हूँ। अब बात करें कि जब डाउनलोड ही नहीं किया जा सकता तो इसे कंप्रेस किया जा सकता है, नहीं ये भी नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कंप्रेस किया जा सकता, क्योंकि ये भी GTA 5 की तरह एक कीवर्ड की से बंधा हुआ है, जो की आपको डालनी पड़ती है इस गेम के अंदर और फिर आप इस गेम को एक्सेस कर पाते हैं, चला पाते हैं। इसीलिए इसको बाहर से डाउनलोड करना या इसे कंप्रेस करके डाउनलोड करके कंप्रेस करके चलाना ये एकदम नामुमकिन है, क्योंकि आपको इसके सर्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा, इसीलिए इसको डाउनलोड नहीं किया जा सकता। और इसलिए मैंने ये गेम नहीं खेला है, तो मैंने ये गेम खरीद नहीं रखा, मैं इसका ओनर नहीं हूँ, इसलिए मैं इसकी प्रॉपर स्टोरी लाइन नहीं जानता। बट हाँ, अगर आपको इसकी स्टोरी लाइन जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए स्टोरी लाइन लेके आ जाऊँगा, आपको बता दूंगा इसकी स्टोरी लाइन क्या है। अब देखो, जो गेम डाउनलोड किया जा सकता है मैं उसके बारे में बताता हूँ, पर जो नहीं किया जा सकता मैं उसके बारे में मना भी कर देता हूँ। अब जैसे GTA 5 और ये बड़े बड़े गेम्स नहीं डाउनलोड किए जा सकते, हालांकि मैंने GTA 5 तो खरीद रखा है, बट मैंने RDR नहीं खरीद रखा, क्योंकि एक तो ये बहुत महंगा है, दूसरा इसकी ये मुझे कुछ पसंद भी नहीं है, क्योंकि पुराने टाइम का है, तो मैंने इसको नहीं ख़रीदा, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है इस और ना मुझे वर्थ ऑफ मनी लगा इसको ख़रीदना, इसलिए मैंने इसको नहीं ख़रीदा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय।